अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम फिर से करेंगे एक मॉक टेस्ट जिसमें होंगे 40 क्वेश्चंस और सारे के सारे होंगे इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम लेवल। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ हु वाज द गवर्नर जनरल ज्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। आपने बताना है जो रिवोल्ट हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में, उसका गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगी, आपका टाइम बचाते हुए मैं डायरेक्ट आपको आंसर पर ले जाऊँगी, दैट इज़ लॉर्ड कनिंग। ठीक है, लॉर्ड कनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोहिबिशन ऑफ सती सिस्टम वॉज नेग्डेड इन 1829 बाई। आपको पता ही होगा कि सती सिस्टम क्या था, इसमें शोहर के मरने पर बीवी को जिंदा जलाया जाता था, जो कि बहुत ही बुरा काम था। इसको जो है ख़त्म करा गया था 1829 में। आपने बताना है किनके द्वारा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जलियानावाला बाग मैसेकर एट अमृतसर टू प्लेस ऑन। जलियानावाला बाग का वाक्या तो आपको पता ही होगा, ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में है। आपने बताना ये कब हुआ था। ठीक है, सो ये हुआ था 13 अप्रैल 1909 को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द जगन्नाथ टेम्पल एट द पुरी। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, ये किसने बनाया था, आपने बताना है। ये बनाया था अनंत, यहाँ पर वर्मन, ये वर्मन है, सॉरी, अनंत वर्मन ने बनाया था, जो कि किंग ऑफ गंगा डायनास्टी था। ठीक है, 12वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की बॉर्डर लाइन आपने बतानी है, वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज चकरी इज़ द फॉक डांस ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट की फॉक डांस है चकरी, तो वो है राजस्थान की। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हना रोड राजतरंगिनी इन विच लैंग्वेज। ठीक है, ये राजतरंगिनी और कल्हन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। राजतरंगिनी जो है, जिसको कि हम रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हैं, फ्लो ऑफ किंग्स भी कहते हैं, ये कल्हना ने लिखी थी 12वीं सदी में। इसमें जो है कश्मीरी किंग्स और कश्मीरी हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड मिलता है हमें, 8 किताबों पर मुश्तमिल। अच्छे से याद रखना है तो हमने ये बताना है कल्हना ने ये किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो कल्हना ने ये संस्कृत में लिखी थी। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है। राजतरंगिनी वाज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने करा था, MS Steen ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाई। अ पैसेज टू इंडिया किन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी EM Foster ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ नोन एज बंगाल सारो। पिछली बार हमने कहा था सारो ऑफ बिहार कौन कहलाता है, वो कोसी रिवर था। इस बार हम कह रहे हैं सारो ऑफ बंगाल कौन है, तो वो है रिवर दामोदर। इसमें भी सैलाब वगैरह, यू नो, फ्लड्स वगैरह होते रहते हैं, बट अब इसमें जो है डैम्स वगैरह बन गए हैं। ठीक है, बट बंगाल का सारो जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, रिवर दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नोन एज जैन कदल। जैन कदल जो है श्रीनगर में, जो कि लकड़ी का पुल है, वो किसने बिल्ड करा था, आपने बताना है। वो बिल्ड करा था जैनुल आबदीन ने। इसी तरीके से एक और है सफ़ा कदल जिसको कहते हैं, वो करा था सैफ खान ने। नाम मिलते जुलते हैं और ईजी होगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वाट इज़ द लोकल नेम ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर का लोकल नाम बताना है आपने। वैसे ये तीनों नाम, पहले तीनों नाम ABC जो है ये झेलम रिवर के ही है। वेद जो है लोकल नेम है, वितास्ता जो है संस्कृत नेम है, एंड हाइदस्पस जो है वो ग्रीक नेम है। ठीक है, झेलम रिवर के ये तीनों नाम आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज तोतिए हिंद पैरट ऑफ इंडिया। तोतिए हिंद इनमें से किनको कहते थे, पैरट ऑफ इंडिया किनको कहते थे। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज़ अमीर खुसरू। अमीर खुसरू को कहा जाता था तोतिए हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच फील्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ गिवन। सपोर्ट्स लिटरेचर फिल्म, किस फील्ड में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये दिया जाता है फिल्म के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट विच इज़ कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल आपने बतानी है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नोन एज नीलम रिवर। नीलम रिवर इनमें से किसको कहा जाता है, वो है किशन गंगा। किशन गंगा जो कि बांडीपुरा के एक इलाके गुरेज में है। ठीक है, किशन गंगा इज़ कॉल्ड नीलम रिवर।
अगला सवाल है, विच डांस इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर? क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर के बेस पर आपने बताना है कौन सा डांस है, वो है हफीज़ा नगमा। हफीज़ा नगमा इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैलेक्सीज इज़ क्लोजेस्ट टू मिल्की वे? मिल्की वे का क्लोजेस्ट गैलेक्सी आपने बताना है कौन सा है इनमें, वो है ऑप्शन ए एंड्रोमेडा। ठीक है, दैट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? संतोष ट्रॉफी जो है इनमें से किन गेम किस गेम से एसोसिएटेड है, वो है फुटबॉल से। फुटबॉल की यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 इज, नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन? नेशनल टूरिज्म डे जो है वो जनवरी 25 को मनाया जाता है। और रही बात मार्च 8 की, मार्च 8 में जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है, और अप्रैल 7 में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है, और अप्रैल 22 में अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लवानी इज़ द फॉक डांस ऑफ? लवानी जो है कहाँ का फॉक डांस है, ये है महाराष्ट्र का फॉक डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड? स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाती है, ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स कहलाती है कॉस्मोलॉजी। और रही बात साइज़मोलॉजी की, तो वो है अर्थक्वेक से रिलेटेड जो होता है उसकी स्टडी। एंड बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, सो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़, द एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है आपने बताना है, वो है ऑप्शन ए वाट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपने बताऊँगी कि आपने जो है कमेंट्स में बताना है अपना स्कोर, और वीडियो तो फास्ट हो ही रही है मुझे पता है, आप पास करके जो है अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज? ब्राह्मो समाज का जो है फाउंडर कौन था, वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सूर्यपुत्री इज़ द नेम ऑफ विच रिवर? किस रिवर को सूर्यपुत्री कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑप्शन ए रिवर तावी। यहाँ पर रिवर है, रिवर तावी को कहा जाता है सूर्यपुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज़ नोन एज रेड प्लेनेट? तो किसको कहा जाता है रेड प्लेनेट, वो कहा जाता है मार्स को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच एमंग द फॉलोइंग लाइज इन द मिडल हिमालया रेंज? तो इनमें से कौन सा कहलाता है, आप बताइए जल्दी से, वो है ऑप्शन ए डोडा। डोडा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज, इन विच ईयर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जिसको कहते हैं वॉज इस्टेब्लिश्ड? BSF कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1965। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हेन जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटरी? जम्मू और कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी कब बनी, यूटी कब बनी, ठीक है, ये आपने बताना है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन वन इज़ करेक्ट आंसर, अक्टूबर 31, 2019। कुछ लोग अगस्त 5, 2019 बोलते हैं, वो गलत है, अक्टूबर 31, 2019 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज़, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग जो है हमारे हिंदुस्तान का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था, ये आपने बताना है, ठीक है, वो करा था ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? कब डिस्कवर्ड हुई थी हरप्पन सिविलाइजेशन, वो हुई थी 1921 में। 1921 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज़, द वलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? वलर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है आपने बताना है। वलर लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में लोकेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1975 इन? कहाँ करा गया था पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज? 1975 में किया गया था, लेकिन कहाँ करा गया था, ये करा गया था इंग्लैंड में, ठीक है, ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन ए सेंट ऑफ गटर्स? सेंट ऑफ गटर्स इनमें से किनको कहा जाता था, वो कहा जाता था मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर पोलियो? पोलियो के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर किया हुआ था, आपने बताना है। ऑप्शन ए जॉन्स इसाक,
ठीक है, जॉन साक जो है इन्होंने ही डिस्कवर किया हुआ था वैक्सीन पोलियो के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कब इस्टेब्लिश करा गया था? ये इस्टेब्लिश करा गया था जुलाई 22, 1946। ठीक है, ऑप्शन ए जुलाई 22, 1946 में WHO को इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, अगला सवाल है, हु वॉज़ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की कौन थी? वो थी ऑप्शन ए फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द चेयरमैन ऑफ JKSSB? अभी प्रेजेंट में JKSSB का चेयरमैन कौन है इनमें से? वो है ऑप्शन बी खालिद जहांगीर, खालिद जहांगीर इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट JNK क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ये क्वेश्चन JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बना था। फर्स्ट JK क्रिकेटर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कौन था कश्मीर से? ठीक है, वो थे परवेज़ रसूल। ठीक है, परवेज़ रसूल। क्वेश्चन नंबर 40 है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ द रीज़न फॉर? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जो है उससे क्या होता है इनमें से? रिकट्स, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लीडिंग, उससे होता है रिकट्स। ठीक है, सो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ में कमेंट्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, जनरल अवेयरनेस पर, इंग्लिश पर, रीजनिंग पर, ओके जो भी टॉपिक होगा आप हमें बताएं, हम उसी पर वीडियो नेक्स्ट टाइम लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।